हे गाइस, तो वेलकम टू द जीमेडी न्यूज। और आज हम बात करेंगे सैंडिएगो कॉमिक कॉन के डे 2 के बारे में, हमें क्या क्या अपडेट देखने को मिले। तो आप सभी जानते हैं कि डे 2 में ही हमें मार्वल एनिमेटेड शो से रिलेटेड अपडेट देने वाला था, और लिटरली रात को अपडेट हमें काफी ज्यादा कमाल के देखने को मिले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल्स के एनिमेटेड शो के बारे में कि हमें रात को करीब 22 तारीख को कौन कौन से अपडेट जानने को मिले। और जो एनिमेटेड शो पहले से अनाउंस कर चुके हैं मार्वल ने, सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करा है और देन उनके सीजन कंफर्म हुए हैं। तो एवरीथिंग, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हर एक छोटे छोटे अपडेट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आई एम ग्रूट सीजन 1 के बारे में, जो कि 10 अगस्त को रिलीज होने वाला है। इसका फर्स्ट पोस्टर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया और इसका सीजन 2 कन्फर्म कर दिया है। उसी के साथ अपकमिंग एक और सीरीज आ रही है मार्वल की एनिमेटेड, जो कि साल 2019 में ही कंफर्म कर दिया था, जिसका नाम था स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर। इसका सीजन 1 सीजन 2 दोनों ही कंफर्म कर दिए हैं, और सीजन 1 की फर्स्ट इमेजेस सामने रिवील कर दी गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही हैं, जो कि इसकी स्टोरी भी कंफर्म करी है कि इसकी स्टोरी कब की होने वाली है। तो आपने सिविल वॉर तो देखी होगी, तो सिविल वॉर से पहले की टाइमलाइन दिखाई गई है, और साथ ही साथ इसमें डेडेविल भी रिटर्न हो रहे हैं, 40 दोबारा से रिटर्न हो रहे हैं इस वॉइस के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसमें रिटर्न हो रहे हैं, पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि बेनेडिक्ट इसमें आवाज़ देंगे या नहीं। होप जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए बात करते हैं अब एक्स मैन रिबूट अपडेट के बारे में। तो एक्स मैन की एक क्लासिक सीरीज थी जिसका रिबूट वर्जन मार्वल बना रहा था, तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि उसका सीजन 2 भी आएगा, और उसी के साथ फर्स्ट लुक रिलीज कर दी गए हैं सीजन 1 के, जिसमें कि मैग्नेटो का और पुरानी क्लासिक जो लुक है वो बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। इन्होंने बस रीमास्टर कर दिया है, बाकी सीरीज एज इट इज वैसी की वैसी है। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि इसके 5 सीजन डिज्नी प्लस पर ऑर्डर में लगा दिए गए हैं, पर इंडिया में जब रिलीज होगा आपको बता दूंगा। बात करते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज के बारे में। तो ये भी पहले अनाउंस कर दी थी, पर इसका सीजन 2 अभी तो कोई कंफर्म नहीं हुआ है, पर सीजन 1 के फर्स्ट लुक रिलीज कर दिए गए हैं, जिसमें कि कमाला खान यानी कि मिस मार्वल और शेंग जी को, और उसी के साथ कैट विशॉप को ऐड करा गया है, रेड गार्डियंस को ऐड करा गया है, जो कि शायद ज़ॉम्बीज से लड़ते नजर आएंगे। तो ये सीरीज काफ़ी कमाल की होने वाली है, और कुछ रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि मार्वल फ्यूचर में इसके ऊपर फोकस करेगा लाइव एक्शन में। चलिए बात करते हैं व्हाट इफ सीजन के बारे में। तो उसका सीजन 2 और 3 कंफर्म हो चुका है, और फाइनली इसकी कोई भी लुक रिलीज नहीं करी गई है। अब बात करते हैं जैक स्नाइडर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फाइनली डीसी ने कंफर्म कर दिया है कि वो कोई भी स्नाइडर वर्स को लेकर वो कंटिन्यूस नहीं करना चाहते। चलिए बात करते हैं एवेंजर्स 5 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो इसके ट्रेडमार्क के टाइटल कंफर्म हो चुके हैं, आप मेरी स्क्रीन को पॉज करके वो टाइटल्स पढ़ सकते हैं, जिसमें कि कैप्टन अमेरिका 4, थंडरबोल्ट्स, एवेंजर्स की अपकमिंग मूवीज, ब्लैक नाइट, मिड नाइट, बहुत सारी मूवीज हैं इनके ट्रेडमार्क मार्वल ने कर लिए परचेस। चलिए बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में। तो फाइनली मार्वल ने 4 सीरीज के बारे में अपडेट दिया और एक लाइव एक्शन आई एम ग्रूट, जो कि मुझे देख के यही लगता है। और अब वेट है बस डे 3 का, तो डे 3 में लाइव एक्शन अपडेट आएंगे डीसी और मार्वल के, जिसमें कि वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर भी आएगा। तो जो भी होगा अपडेट आपको मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।